अनन्या फाउंडेशन द्वारा किए जा रहे नेक कार्यों में आज एक और कड़ी को जोड़ते हुए होली और स्वेगदर की रात के पवित्र समय पर बागपत के रितोल गांव की एक बेटी जिसके पिता बीमार होने के कारण उसकी शादी का खर्च उठाने में असमर्थ दिखाई दे रहे थे, ऐसे में सोफिया फाउंडेशन के फाउंडर स्कील खान और तरुन्नम खान ने गांव में पहुंचकर परिवार की आर्थिक सहायता की जिससे उस बेटी के जीवन में खुशियां बरकरार रह सके। इस दौरान शकील खान ने सभी को होली और सबेरात की शुभकामनाएं भी प्रेषित की। नमस्कार, हेलो, आदाब, सत श्री अकाल, जितने भी जगत महान न्यूज के व्यूअर्स हैं, आज बहुत खुशी का दिन है। सबसे पहले आप सभी लोगों को होली की बहुत बहुत मुबारकबाद। और आज सबे कदर की रात भी है, कुदरत ने भी आज ये संदेश दे दिया कि इंसानियत से बड़ा कुछ नहीं है। एक ही दिन में दो बड़े अच्छे पवित्र त्यौहार हैं, तो आज होली का और सबे कदर रात की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएँ और मुबारकबाद। आज सबे कदर की रात का मतलब एक नए साल की शुरुआत का होना भी होता है हमारे रिलीजन्स के अकॉर्डिंग। तो सोफिया फाउंडेशन की तरफ से आज एक नेक काम किया गया फिर से कि आज अच्छा दिन है तो क्यों ना एक अच्छा काम किया जाए। तो कोइंसिडेंटली हमें दो दिन पहले कॉल आया, यूपी के अंदर एक रटोल गांव है बागपत जिला में, वहां पर अभी दो दिन बाद एक लड़की की शादी है और उनके पिताजी की जो तबीयत है बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो जैसे हमें पता चला तो हम लोग आज जा कर के अच्छा खुशी का दिन था, तो आज के दिन जा कर के हम लोग उस परिवार को कुछ ज़रूरत की सामान की चीज़ें दे के आए हैं जिससे कि उनकी ज़िंदगी में वो उन चीज़ों का इस्तेमाल करें और अपनी लाइफ में वो उन चीज़ों को महसूस करें कि हाँ कि इन चीज़ों की होने से लाइफ में जो चीज़ें हैं थोड़ी सी आसान हो जाती हैं। तो सोफिया फाउंडेशन निरंतर ये काम करती रहती है और आशा और उम्मीद करता हूँ कि ऊपर वाला हमारे सब नए कामों को कबूल करेगा और हमें ऐसे ही लगातार ये काम करने की तौफीक देगा और हम अपने समाज में जितने भी ज़्यादा ज़्यादा ज़रूरत हो सकेगी लोगों की पूरा करने की कोशिश करेंगे।